तो सुबह जोतने जाना था, पर हम अभी से जा रहे क्योंकि ये बोले थे कि तनि पहले ये उसे खोल उल कर साफ कर दे, अरे लगा दे सर के दिन भर में चार बार हर सेट करें, तो इसको ऐसे तो बोले थे कि तो नहीं चलो कोई ना हो जाएगा। हेलुंगिया हेलुंगी मास्टर खोल दे। तो मोबाइल आधा घंटा वीडियो बनाएगी बोल रही है मुझसे। तो ये छोटा बच्चा का देखो खोल रहा है, या ताकत जोर लगा कर तो वो खुलेगी नहीं जब तक वहां से पिन नहीं निकलेगा ना, तब तक कितना भी कोशिश करता रह जाए वो निकलेगी नहीं। चले आप घीच, अब घीच निकल जाए खींच रघु, अरे गुआ खींच खींच, रुक जाओ पीछे कर आओ हल्का सा। बिना निकाला आप खींचो खींच 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 पीछे खींचो खींचो पीछे खींचो खींचो पीछे खींचो हल्का से पीछे ले बा। अरे बहुत चला कमा खोल ले रहा था ना ले ले इनके कमा ले। तो पिन भी निकल गया और अब जा रहे हैं आगे लेकर गाड़ी। अरे यार पहले नहीं आना था फोनवा, इससे मूवी लेना है फोन करा जो। बाकी ये कबेरी गंगा न होइले बनी। गलतिया तो गोना हाँ तो डाट सीधे सीधे लेके चली आई ना रे, हाँ तो सीधे सीधे डाट लेके चली आई ना, ये कौन हिसाब से लेके ना कि मांग भागे लिए। हाँ आओ चेंज आ घूमे गाड़ी घुमा कराएंगे इधर ही। तनी आराम से चलाया घर था उड़िया था इनके। कितना उधर यहाँ गाड़ी लगाए सब यार बहुत ज्यादा, वो कहाँ से उधर के लिए जी वो बोल बे ओए जुर्माना देख पड़ी तो ठीक है दोस्त वो देखा मतलब का बोल। तो उस दिन वहां जो घसिया वाला खेतवा है सारा यही में सब फा रहा था देख रहे हो इधर यहाँ ये वाला, और इसमें वो पानी भरा रहे थे
बोल रहा था कि मोबाइल इतना मंगा लियो और अपना मतलब मोबाइल ग्लास थे उन पास 50 रुपया लगा, तो मैंने कहा अरे वो 50 का वो 250 रुपया का भी लगा लूँ ना तभी वो टूट ही जाएगा क्योंकि ऐसा काम ही मेरा है। बोला क्या कर दो, कहीं अब मैंने मतलब अभी सब नहीं बताया कि मैं गाड़ी चलाता हूँ, मोबाइल और गिर गया तो फूट जाए मतलब गिरेगी। अब जानते हो जैसे बात है, मोबाइल चला थल्दी में से गिरा, ट्रैक्टर पे लगा, वहाँ से नट पे थोड़ा सा लगा, चुन्नी छोड़ देगी पट देना, तो इसलिए तो उस दिन मैं अपना टेम्पर भी चेंज करवाया था ना, परेशान हो गया था तो इसके वजह से। तो सैमसंग केयर में गया था ना तो मोबाइल मतलब मेरी बिगड़ गई थी, अरे ऊपर से टच नहीं काम कर रहा था, पानी में डाल दिया था इसको, तो उसको बनवाया तो बोला कि पानी में तो मोबाइल डाले हो इसका पैसा लगे, तो मैंने कहा चलो पैसा ही ले लो। तो फिर बोल रहा है ना कि अगर आप साल भर की गारंटी बढ़वाओगे 1300 रुपया में तो आपको मतलब 5400 रुपया नहीं देना पड़ेगा, बस आपको 1300 देना पड़ेगा। तो मैंने चल ठीक है 1300 में बनवा ले। तो मुझे यही चीज़ समझ नहीं आ रहा था ना कि बोल रहा था कि 5400 रुपया हुआ लगेगा, 1300 रुपया आपको वारंटी बढ़वाना पड़ेगा। तो मैंने कहा ना कि 1300 रुपया में वारंटी बढ़वाऊँगा तो ऐसे मतलब ज़्यादा पैसा हो जाएगा, 5400 और ये 1300 रुपया तो कितना हो गया, 6700 ना। तो इस वजह से मैं यही बोला था, तो बोला था कि नहीं आप समझ नहीं पा रहे हैं, आपको 5400 रुपये नहीं देना पड़ेगा, बस सिर्फ 1300 देना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा चल ठीक है बढ़ा दे। तो बस अब मतलब टेम्पर में चेंज किया तो बोला था कि मेरा आप मतलब मुझे सीट बैग दे देना, मतलब सीट बैग बोल रहा था कि आप मतलब सीट बैग जो लास्ट वैसे तो 5 स्टार तक बस, अरे वो आता है ना क्या बोलते हैं उसे सीट बैग ना, तो बोला था कि आप उम्मीद है कि आप मुझे 7 नंबर देंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात ना दे दे क्या करे क्या। तो कल फ़ोन किया था सैमसंग केयर वाला तो बोला था कि आप सीट बैग कितना देना चाहोगे, बोला कि आप संतुष्ट हैं, हाँ संतुष्ट एकदम। तो बोला है कि कुछ और प्रॉब्लम, तो मैंने कहा कि इसमें प्रॉब्लम बस ये है कि पहले से मोबाइल स्लो चार्ज हो रही है क्योंकि पहले तेज होता था। तो बोल रहा है कि आप जाकर चेक करा लीजिएगा, तो मैंने चल ठीक है चेक करा लूँगा जाकर। तो उसके बाद से मैंने सीट बैग दिया ही नहीं। तो जब मैं आया तो ग्लास लगवाने के लिए तो बोल रहा है कि कौन सा मोबाइल, तो मैंने कहा कि यह है, तो बोल रहा है कि अच्छा ठीक है। तो उससे पहले ही तो वो बोल रहा फिर कहा ना कि ग्लास तो है पर इतने का है 250 का। तो मैंने कहा कि 50 रुपये वाला नहीं है, तो हंसने लगा हुआ कह रहा है कि मोबाइल कितना मांगा लिया। तो मैंने कहा अरे मोबाइल से क्या मतलब, तो वही बात है यार, किसी का हुलिया देखकर किसी का अंदाजा नहीं लगा सकते हो तुम, अगर रियल बात बताऊँ तो है कि नहीं कहावत। चला तो वही बोला, तो मैंने कहा अच्छा तो 50 रुपया लगा दो कोई ना, उतना मेरे पास पैसा नहीं है। तो कह रहे अच्छा, तो बोला टेम्पर चेंज करो क्या, तो कहने हाँ उतना पैसा तो ले लिया तो कहाँ से पैसा बचेगा मेरे पास। तो कह रहे अच्छा, हाँ